श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान पर्यावरण की रक्षा हेतु नागपुर महानगर पालिका और एजी एनविरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से निर्माल्य रथ को सजाया गया है। हर जोन में एक निर्माल्य रथ होगा। निर्माल्य रथ के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन जन जागरूकता गतिविधियों को क्रियान्वित किया गया। इस दौरान शहर को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए जन जागरूकता भी पैदा की गई, जिसके बाद इस निर्माल्य रथ को नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर द्वारा हरी झंडी भी दिखाई गई। देखिए, इस साल गणेशोत्सव 2022 के लिए हमने सेपरेटली निर्माल्य रथ तैयार किए है। ये हर जोन में एक एक निर्माल्य रथ रहेगा। 10 जोन में हमारे 10 निर्माल्य रथ है। हमने हर गणेश मंडल को हम जाहिर आह्वान करेंगे कि उनके यहाँ पे निर्माण होना रहा जनरेट होना रहा निर्माल्य, वो हमारे निर्माल्य रथ को ही दे। उसके साथ साथ उनके गणेश मंडल के आजू बाजू परिसर में जो घरगुती गणपति है, गणेश भक्तों से भी निर्माल्य वो स्वीकार करे, और गणेश भक्तों ने भी उनका निर्माल्य वो गणेश मंडल के पास ही देना चाहिए। और हमारा जो निर्माल्य रथ है ये हर मंडल के पास पहुँचेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिए हुए आदेश हो, नियम आदेश के अनुसार ही हम निर्माल्य का खाद बनाएंगे। निर्माल्य जो हमारे 10 व्हीकल कलेक्ट करेंगे, वो 10 व्हीकल से कलेक्ट हुआ निर्माल ठेठ ना किसी व्हीकल में शिफ्ट होगा ना कुछ होगा, वो कलेक्ट हुआ जैसे के वैसे निर्माल्य हमारा प्रोसेसिंग यूनिट पे जाएगा। निर्माल्य से हम खाद बनाएंगे। इसके लिए हमने सेपरेटली ये गणेश उत्सव के लिए सेपरेटली प्लांट बनाया है। जो भी हमारा निर्माल्य कलेक्ट होगा, वो हर निर्माल्य हम पूरे निर्माल्य से हम खाद बनाएंगे। सेपरेटली उसका खाद बना के हम गार्डन में भी उसका यूज करेंगे। हमारी टोटल 10 गाड़ियां है और हर गाड़ी में हमने सेपरेट बैग्स रखे हैं। बेसिकली एक निर्माल्य रथ में कितनी बैग रखी गई है सर, और क्या कैपेसिटी है? हमारी 10 बैग्स है हर निर्माल्य रथ के साथ, और हर एक बैग की कैपेसिटी 400 केजी की है। हर गाड़ी की कैपेसिटी 400 मेट्रिक टन की है। 400 टन एक गाड़ी लेके जाएगी, 10 गाड़ियां हमारी 40 मेट्रिक टन एक ट्रिप में निर्माल्य हमारा पहुंचा सकती है। देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, नागपुर के कई एनजीओस हैं जो नागपुर महानगर पालिका से इस अभियान में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबको जुड़ना जरूरी है। पिछले 10 साल से हम फुटाला लेक के जो एयरफोर्स साइड है वहाँ पे हम लोग रहते हैं। 10 दिन से फाइनल डे में नहीं, 10 दिन रहते हैं और निर्माल्य कलेक्ट करते हैं और POP की मूर्तियों का विसर्जन और मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में कराते हैं। और ये जो आज का जो इनिशिएटिव है, बहुत ही एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि निर्माल्य को कलेक्ट करना और उससे कंपोस्टिंग से खाद बनाना और फिर उसको रीयूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि ये जब निर्माल्य सड़ता है तो इसमें से काफ़ी पर्यावरण को हानि पहुँचती है, हम सभी जानते हैं। और POP की मूर्तियाँ और निर्माल्य अगर तालाब में जाता है तो उसका तो बहुत हानिकारक होता है, हम सभी जानते ही हैं। और बधाई देना चाहूँगा नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कि शायद ये देश में पहला ऐसा कोई शहर है हमारा नागपुर जिसमें सारे तालाबों को बैरिकेड किया गया है। तो ये जो एक सजगता है, ये जो एक सोच है, ये पहली बार देश में नागपुर ने कर दिखाया है कि हम हमारे नैसर्गिक जो संपदा है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मैं चाहूँगा कि हर नागपुरवासी इसका साथ दें और एक इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाए। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।